हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे इसके पहले भी तुम्हारे लिए सम सॉल्व कर दिया, तो वापस से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था, प्री पोस्ट का सम है ना, प्री प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, ये तुम्हारा सवाल आएगा, ये अपना जवाब है और अच्छे से ट्राई कर दे। तो सबसे पहले क्या करने का, प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जो क्वेश्चन ने पैराग्राफ दिया है रीड करके, ये टेबल है ना, ये टेबल को टेबल में उठा के पटक देना है, ये टेबल को इधर के कॉपी पेस्ट करना है। तो कैसे करना है, ये पूरे एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चा होता है, ये पूरा इनकम होता है, ये आवन है, ये जावन है। तो क्या करने का, पहले इनकम लिखने का, क्या लिखने का, इनकम। इनकम में क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 2,80,000, कॉपी पेस्ट। क्या कर देना है, क्या पहला कॉपी पेस्ट, पहले कॉलम बना के रख लो ना, पहले मार्क्स तो ले लो, फिर पूरे लाइन से एक्सपेंडिचर उठा के यहाँ लिख देने का और इसके अमाउंट भी उठा के यहाँ लिख देने का, ठीक है। फिर अपने को ना दो बेटा निकालने, एक सेल्स रेशियो, एक टाइम रेशियो। मेले में घूम हो गए तो टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, इसके बिना समय तुम्हारा सॉल्व नहीं करना, नहीं तो आधा अधूरी कहानी रहेगी। तो टाइम रेशियो मतलब जो ऑफिस का खर्चा रहेगा टाइम में बांटना है, और जो बेचने का खर्चा रहेगा सेल्स पे बांटना है। तो कैसे लिख लेगा, क्या लिख लेगा, तो इतना लिखने के बाद, कॉलम बनाने के बाद, तो इधर लिखने का प्री पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट बोले तो बाद में। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा प्री क्या पोस्ट क्या, सबसे पहले देखो कि इनका ईयर एंड कब हो रहा है। जो एआर के लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, और किसका बिजनेस लिया, एसआरके का लिया 1 जनवरी को, है ना, बिजनेस 1 जनवरी को लिया। इन एंडेड कभी हो रहा है बिजनेस, एंड कब हो रहा है, 31/12 बोलेगा तो दिसंबर होता है, मतलब उनका बिजनेस दिसंबर में एंड हो रहा है। कभी एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब होएगा, जैन में। एंड कभी हुआ, दिसंबर, तो स्टार्ट कब होएगा, जैन। अगर मान लो इधर ईयर एंड होता मार्च में, कब होता मार्च, तो यहाँ मार्च आता तो स्टार्टिंग में क्या आता, अप्रैल आता। तो ये लाइन से हमने क्या लिख दिया, मंथ लिख दिया, लाइन से क्या लिख दिया, पुण्य मंथ लिख दिया, ठीक है। आ जाओ, अब सबसे पहले क्या करने वाले में, क्या रजिस्टर कभी हुआ, द बिजनेस वॉज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर। तो कभी रजिस्टर हुआ, 1 अप्रैल, नामकरण हुआ, बिजनेस को रजिस्टर किया, कभी रजिस्टर किया, 1 अप्रैल को, है ना। तो ये दिख रहा लाइन से, मैं मंथ बना दिया ना, तो ये जैन फेब मार्च, मतलब पहले नॉर्मल था, फिर 1 अप्रैल को बिजनेस को रजिस्टर कर दिया, देखो ना, 1 अप्रैल। ये जनवरी को बिजनेस लिया है, पर रजिस्टर कभी किया उसने, 1 अप्रैल। इनकॉर्पोरेटेड का और एक वर्ड आएगा, इनकॉर्पोरेटेड का रजिस्टर, नामकरण। तो कभी नामकरण हुआ 1 अप्रैल को। तो ये दिख रहा है, ऐसा एक पर लाइन, मार दो ऐसा, ये हो जाएगा तुम्हारा प्री, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पोस्ट। ये तुम लोग लेफ्ट पेज पे बनाना, ये पूरे वर्किंग नोट तुम लोग राइट पेज पे बनाना। अपना बोर्ड है ना, तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मिलना है, ये लेफ्ट पे करना, ये पूरे राइट पे कैलकुलेशन करना। तो अभी अपना टाइम रेशियो आ गया, टाइम रेशियो कैसे आएगा, इसको काउंट करो, 1, 2, 3, इधर आ गया 3, तो इधर कितना रहेगा, 9 महीना, साल में 12 महीना रहता ना, तो 3 पहले आ गया, 9 बाद में आ गया, तो उसका रेशियो आएगा 1:3। क्या रेशियो आएगा, 1:3। तो जो भी ऑफिस का खर्चा वो टाइम रेशियो में बांटेंगे, जो भी ऑफिस का खर्चा वो टाइम में बांटेंगे। तो मैं सेल्स को पहले होल्ड करता हूँ, और रेंट पे एडजस्टमेंट दिया है, तो इसलिए रेंट पे ऐसे निशान माना दिया, जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा उसको निशान बनेंगे। तो सेल्स रेशियो रेंट पे होल्ड करके पहले क्या करते, टाइम पास कर देते फटाफट, क्या करेंगे मालूम है क्या, जो भी ऑफिस का खर्चा उसको टाइम में बांट देंगे। तो सैलरी ना, सैलरी ये ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में जाएगा, तो उसको बाद में देखते हैं सेल्स वाला। रेंट पे एडजस्टमेंट है तो उसको भी अपन बाद में बांटेंगे। सैलरीज ऑफिस का खर्चा होता है, इसलिए इसको किस में बांटने का है, टाइम में। अमाउंट कितना है, 72,000। सैलरी का अमाउंट कितना है, 72,000। तो और रेशियो कितना तुम्हारा, 1:3। तो 1 और 3 कितना होता है, 4। पहले ऐड करो, फिर तो टोटल से डिवाइड करो, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 18,000 आएगा। कितना आएगा, 18। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 18 को 3 से करो, 18 + 18, 18 + क्या हो जाएगा, 18 + 3 = 54,000, मतलब 54। तो इस तरह तुमको सैलरी को बांटना है, किस में बांटा अपन ने, टाइम में, क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा, कौन सा खर्चा है, ये ऑफिस का, ठीक है। फिर क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी ना, इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफिस का ही खर्चा है, तो इसके वो भी किस में बांटेंगे, टाइम में बांटेंगे। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1200 आएगा, तो 1200 और ट्रिपल करेंगे तो 3600 आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट टाइम ऑफिस का खर्चा नहीं होता है, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग का होता है, उसको सेल्स में बांटेंगे, पर अपने पास वो सेल्स इशू है ही नहीं, जब निकालूंगा तो बांट देंगे। इंश्योरेंस भी ऑफिस का ही होता है, किसका होता है, क्या रेशियो है, 1:3, तो 8 से डिवाइड करेगा 900 आएगा, तो 900 और 2700 कैलसी रहेगा तुम्हारे पास, फटक से बांट देना, तुम्हारा टाइम बचा रहा था, ठीक है। अभी ये नाम पड़ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और ओके अंडर राइटिंग कमीशन, ये ना जो नाम है ना इधर मैं पढ़ रहा हूँ, ओके ये देखो क्या क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडर राइटिंग कमीशन, ये कंपनी का खर्चा होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद का एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए उसको कहीं बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ करेंगे अपन, पोस्ट में लिखेंगे, इधर लिखने का पोस्ट, इधर लिखने का पोस्ट। तो ये सब आइटम देख के खुश हो जाने का, राइट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर पे जो कर्जा था उस पर इंटरेस्ट दिया, चलो बांटा नहीं, डायरेक्ट लास्ट प्लेटफॉर्म पे डाल देने का, क्योंकि कंपनी का खर्चा है, बांटना नहीं, ऑफिस को टाइम में बांटना है और बेचने को सेल्स में बांटना है, पर जो कंपनी के रिलेटेड आएगा उसको डायरेक्ट कहाँ लिखना है, पोस्ट में।
और ये क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मतलब रजिस्टर किया तो उसका पेपर वर्क, लाइसेंस बनाने का खर्चा, वो सब, तो वो सब कंपनी का खर्चा है, पोस्ट में आएगा। फिर एक है अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन देके सेल्स पे मत चले जाना। अंडरराइटिंग मतलब शेयर बेचने के लिए जो अंडरराइटर को अपॉइंट किया था एजेंट को, वो कमीशन चार्ज किया, तो कंपनी बना तब शेयर बिका तब कमीशन दिया ना, तो भी अंडरराइटिंग कमीशन किस में आएगा, पोस्ट में आएगा। तो उसको बांटने का नहीं, डायरेक्ट कहाँ डालने का है, पोस्ट में डालने का। ये भी आसान हो गया, सिंपल। अब अपना गाड़ी अटका है सेल्स वाला, राइट, तो आ जाओ अच्छे से समझाता हूँ, दिमाग में डायरेक्ट भेजे में डाल दो, ठीक है। तो इधर क्या बोला है मालूम है क्या, मंथली सेल्स इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज डबल देन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो इधर बोला मंथली सेल्स क्या हो गया पोस्ट में, किधर, पोस्ट में कितना हो गया, डबल, कभी ट्रिपल आएगा, डबल की जगह पे ट्वाइस आएगा तो दो, थ्राइस आएगा तो तीन, तो पोस्ट में डबल हो गया। तो ये मेरा प्री है, तो इधर लिखने का सेल्स, क्या लिखने का इधर, क्योंकि सेल्स का सॉल्व करें ना, तो कहाँ डबल हुआ, पोस्ट में। तो पोस्ट शुरुआत कहाँ से होता है, अप्रैल से, तो डबल इधर बोले तो टू डालना, दो 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 दो। तो फिर से पढ़ो, मंथली सेल्स इन दी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड वॉज डबल, मतलब यहाँ से क्या हो गया, वो डबल हो गया, किसका डबल हुआ, देन दैट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो डबल हुआ वो प्री का डबल हुआ, मतलब ये सिंगल रहेगा ना यहाँ, ये क्या रहेगा तुम्हारा, सिंगल, ये डबल हुआ तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सिंगल। अब इसको ऐड करो, तो इधर ऐड करेगा तो तीन आ रहा है, कितना आ रहा है, तीन, प्री में कितना आ गया, तीन, इसको ऐड करो, चार चार आठ, बारह सोलह अठारह, अठारह गया है ना। तो अब इसको थ्री के टेबल में जाएगा ना दोनों, थ्री वन जा थ्री सिक्स जा, ये तुम्हारा हो गया सेल्स रेशियो, क्या हो गया, तो जो भी सेल्स के रिलेटेड खर्चा रहेगा आपको किस में बढ़ना है, सेल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या वर्ड है देखो, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते, बेचने के लिए करते ना, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते, ताकि माल ज़्यादा बिके। तो इस किसके रिलेटेड एक्सपेंडिचर, सेल्स के रिलेटेड, इसलिए उसको किस में एलोकेट करेंगे, सेल्स में। तो कितना अमाउंट है, 8400, रेशियो कितना, एक और छः, तो एक और छः कितना होता है, सात, तो ये सात के टेबल में जाएगा ना यार, सात के टेबल में जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, बारह बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, बारह बढ़, दस बार सत्तर रहेगा, बारह बढ़ जाएगा, ट्वेल्व बन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व बन जा ट्वेल्व, और फिर ट्वेल्व को किससे करेंगे, सिक्स से करेंगे ना, ट्वेल्व सिक्स जा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड। मतलब आपको रेशियो बांटना था, पर रेशियो निकल गया तो बांट देंगे ना। तो अब ये क्या नाम है, कमीशन, कितना हज़ार है, चौदह हज़ार है, तो कमीशन तो सेल्स का होता है ना यार, सेल्स के लिए कमीशन, डिस्काउंट, जेठालाल माल बेच रहा है, बबीता आएगी तो सस्ते में माल बेचेगा ना उसको, तो डिस्काउंट दिया अपने, मतलब पहचान वाला है तो डिस्काउंट देना, तो ये भी सेल्स का ही है डिस्काउंट, सेल्स प्रमोशन, नाम से मालूम पड़ा, सेल्स पे बांटेंगे। बैड डेट्स मतलब चूना लगा दिया, बैड डेट्स का मतलब पता है, चूना लगा दिया, जो अपन ने माल बेचा था, कस्टमर एक लाख रुपया देने वाला था फॉर एग्जाम्पल, और भाग गया, बोला नहीं देता, फोन ही नहीं उठा रहा, तो चूना लगा देना। तो ये भी चूना क्यों लगा, क्योंकि अपन ने माल बेचा ना, तो ये भी किस में आएगा, सेल्स में आएगा। और इधर दो नाम बच गया है, सन्ड्री एक्सपेंस और बैंक चार्जेस, तो इसको टाइम में बांटेंगे, किस में बांटेंगे दोनों को, टाइम में, तो वन इज टू थ्री में बांट देंगे। अभी मान लो मैं एक अमाउंट बांटता तुम्हारे, जैसे कि चौदह हज़ार है, कितना हज़ार है, तो कैसे बांटेंगे, चौदह हज़ार लिखेंगे का, कितना लिखना है, चौदह, एक और छः कितना हो गया, सात, तो इसको सात से डिवाइड करेगा, कितना आएगा, दो हज़ार आएगा, टू वन जा टू, तो कमीशन इधर आएगा दो हज़ार, टू को किससे करेंगे, सिक्स से करेंगे, कितना आएगा, बारह हज़ार आएगा ना, ऐसे करके ये भी बांट दो, ये भी बांट दो, ये भी बांट दो, है ना। तो अब टाइम वाला बांट दिया, सेल्स वाला बांट दिया, जो कंपनी के रिलेटेड था वो पोस्ट में लिख दिया। अब बचा तुम्हारा है रेंट, क्या बचा है, रेंट, तो रेंट कितना अमाउंट है, पाँच हज़ार सात सौ। रेंट के पीछे क्या कहानी बोला है मालूम है क्या, रेंट में बोला है कि रेंट इन द प्री इनकॉर्पोरेशन, कौन सा इनकॉर्पोरेशन, प्री, कितना था, 400 पर मंथ, वेयर एज इट इंक्रीज, मतलब बढ़ गया 100 रुपया पर मंथ इन दी पोस्ट। तो पहले प्री का लिखते, प्री में रेंट कितना था, 400 पर मंथ, तो इधर लिखेंगे प्री है ना, 400 सिंपल। तो किधर का हो गया ये, इसको ऐड करो ना, 400 400 400, रेंट का अमाउंट कितना दिया है, 5700, कितना दिया है, 5700, ये प्री है और ये क्या तुम्हारा, पोस्ट, तो इसको ऐड किया तो 1200 आया, तो ये 1200 इधर लिख दो ना डायरेक्ट, इधर लिखने का गिवन, एडजस्टमेंट तो गिवन, इधर 1200 लिख दो ना प्री में। अब 57 में से 12 माइनस कर दो ना, तो 47 45, तो 4500 कभी का हो गया, पोस्ट का हो गया, 4500 कभी का हो गया, पोस्ट, टोटल 5700, जिसमें से 1200 प्री का हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा ना यार। अभी आप लोग चेक भी कर सकते हैं कैसे, पहले रेंट कितना था, 400 था, फिर उसके बाद इंक्रीज बाय 100 पर मंथ, मतलब 400 पे 100 ऐड करो, 400 पे 100 तो 400 और 100 कितना हो गया, 500, पहले 400 बढ़ा था, अब नया कंपनी बनने के बाद इधर से कितना हो गया, 500, कितना हो गया, 500 चुरा लो, है ना, वाला ऐड है 500 है ना। अब इसको ऐड करो, 1000 2000 3000 4000 साढ़े चार हज़ार, है ना, साढ़े चार हज़ार,
ग्रॉस प्रॉफिट को किसमें बांटने का, सेल्स में बांटने का। तो ग्रॉस प्रॉफिट को बांट देगा तो आ जाएगा 40,000 और 2,40,000, कितना आ जाएगा 40,000 और 2,40,000। अब ये टोटल का काम है तुमको सामान लेने का है। टोटल कैसे आएगा, इसको ऐड करके यहाँ लिखने का, इसको ऐड करके यहाँ लिखने का, ए इनकम है, बी एक्सपेंडिचर है। ए और बी को माइनस करेगा तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। सेम इसमें से ये टोटल क्या करेंगे, माइनस करके ये आंसर आएगा, ये टोटल से टोटल माइनस करके आंसर आएगा। प्री का भी आ जाएगा, पोस्ट का भी आ जाएगा। एक अच्छा खासा सम तुम्हारे लिए मैंने सॉल्व करा दिया भाई, एकदम मस्त बोलते हैं ना, अच्छा वाला। और भी कुछ तुमको हेल्प है, डाउट है तो उसको तुम समझ लो क्या है, मुझे मैसेज कर देना। अच्छा खासा मैंने बोलते हैं ना PPI पे 15 सम सॉल्व कर दिया, प्रेफरेंस है, डिबेंचर पूरा बुक है, जैसे तुमको ठीक समझे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू, चल भाई आज के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।